यहाँ पर सब पढ़ाई तो सही ढंग से ही हो रहा है, व्यवस्था भी तो ऐसा होना चाहिए। लोगों का नैतिक कर्तव्य है कि जिस काम के लिए नियुक्त हुए हैं उस काम को पूरी ईमानदारी से बरतना। सभी अपने कर्तव्य का निर्वहन वेतन की तनख्वाह किए बिना ही करते रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया। देखिए, कल भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री व स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की जयंती थी, जिसे शिक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दौरान पटना में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए शिक्षकों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो शिक्षक भी पढ़ाने में अनियमितता बरतेंगे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, और जो शिक्षक भी अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे उनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी भी की जाएगी। ये बयान था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। आइए अभी हमारे साथ चलिए, कुछ शिक्षक हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है मुख्यमंत्री जी के इस बयान पर। आइए देखिए, कुछ महिला शिक्षक हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये जो बयान आया है इस पर उनका क्या कुछ कहना है। मैम देखिए, कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बयान दिए कि जो भी शिक्षक जो है वो पढ़ाने में अनियमितता बरतेंगे तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, और जो भी अच्छे से पढ़ाएंगे उनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी होगी, इस पर आपको क्या लगता है? यहाँ पर सब पढ़ाई तो सही ढंग से ही हो रहा है, व्यवस्था भी तो ऐसा होना चाहिए। हम ही लोग का स्कूल देखिए, हम लोग ना प्ले ग्राउंड है ना कुछ है, बच्चा लोग खेले कहाँ, खाने पीने का भी ढंग से यहाँ पर व्यवस्था नहीं। एक क्लास में 50-60 बच्चे रहते हैं एक क्लास में। दारी का व्यवस्था, पढ़ने के लिए टेबल नहीं है, बेंच नहीं है, टेबल नहीं है, और ये भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ तक कि बाथरूम भी जाके देख लीजिए, इतना गंदी व्यवस्था है कि मत कहिए। तो आप लोग कभी इसके लिए आवेदन वगैरह नहीं दिए? सब कुछ दिया गया है, कहाँ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। कोई भी आते हैं, कुछ भी हो नहीं रहा है यहाँ पर। मैं क्या बोल सकती हूँ, इतना बोलूँगी कि हाँ, हम लोगों का नैतिक कर्तव्य है कि जिस काम के लिए नियुक्त हुए हैं उस काम को पूरी ईमानदारी से बरतना। और दूसरे क्या करते हैं इसे मुझे मतलब नहीं। मैं अपनी ड्यूटी समय पर आती हूँ, बच्चे को पढ़ाती हूँ, स्कूल के हर गतिविधि में अपना पूरा 100% देती हूँ, देती रहूँगी। मैं अपने कर्तव्य से वाकिफ़ हूँ, और बाकियों के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। जैसे अन्य शिक्षक हैं, मैं हूँ, लेकिन अपना कर्तव्य मैं समझ करके अपना काम करूँगी। आप तो अपना कर्तव्य समझ के काम कर रही हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे शिक्षक देखने को मिलते हैं, कई तस्वीरें सामने आती हैं जो नहीं इस तरह का काम करते। आप देखेंगे कि क्लासरूम में अलग अलग तरह के एक्टिविटीज़ वो करते हुए पाए जाते हैं, कभी देखेंगे स्वेटर बुनते, कभी सोते भी शिक्षक नज़र आते हैं। तो उन शिक्षकों के लिए क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है कि जब हम जिस काम के लिए नियुक्त किए गए हैं उसको पूरी ईमानदारी से करना मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है। और मैं वो अपने सहयोगियों से या शिक्षक शिक्षिकाओं से ये अपील करना चाहूँगी कि हम एक जिम्मेदार देश के जिम्मेदार नागरिक हैं और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं। माननीय ने जो बोला है वो बात में 100% गलत नहीं है, लेकिन जो अपने कर्तव्य की उपेक्षा करेंगे उनके साथ अगर करते हैं तो गलत नहीं है। हाँ, तो अनियमितता जो बरतेंगे उनको अगर दंडित किया जाता है तो यह तो उचित ही है, लेकिन अगर अनियमितता बरतते हैं तो, लेकिन ज़्यादातर शिक्षक अनियमितता नहीं बरतते हैं, बहुत कम ऐसे शिक्षक हैं जो अनियमितता बरतते हैं। सारे शिक्षक अपने ड्यूटी पर रहते हैं और कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो ये बयान दिया सर, क्योंकि आप भी एक शिक्षक हैं, शिक्षकों को लेकर? हाँ, इस संदर्भ में सही है कि अगर उस तरह के अनियमितता बरतते हैं तो, लेकिन यहाँ तो शिक्षकों को इतना कम तनख्वाह दिया जाता है कि इस तनख्वाह में शिक्षक अपना गुजर बसर ही नहीं कर पाते हैं, उसी में लगे रहते हैं कि कैसे मेरा निर्वहन हो, कैसे गुजर बसर करें। हमारी समझ से हमारे विद्यालय में तो मतलब काफ़ी टैलेंटेड शिक्षक लोग हैं, ये हमारे विद्यालय का बहुत बड़ा सौभाग्य है। काफ़ी मतलब अनुभवी एवं टैलेंटेड इस विद्यालय को शिक्षक मिले हैं, और सभी अपने कर्तव्य का निर्वहन वेतन की तनख्वाह किए बिना ही करते रहते हैं, क्योंकि उनको एक नौकरी मिल गई, जो घर में बेरोजगार थे उनको एक मंच मिल गया अपने प्रतिभा को निखारने का, पैसा जो भी हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमारे सभी शिक्षक साथीगण पूरी अपनी
लगन के साथ मेहनत करते हैं बिना वेतन की परवाह किए। मैम जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बयान दिया है उसको लेकर क्या लगता है आपको, क्योंकि आप भी एक शिक्षिका हैं? ऐसा हमें लगता है ना कि मतलब कि वेतन तो शिक्षक को मिलना ही चाहिए, तभी ना वे अपने परिवार का गुजारा कर पाएंगे, वे अपने बच्चों को परवरिश कर पाएंगे। लेकिन हमारे समझ से हमारे विद्यालय में ऐसा माहौल नहीं है अनियमितता वाली, यहाँ अनियमितता नहीं है। भले हमारे विद्यालय में संसाधनों की बहुत कमी है, बच्चों के लिए मैदान नहीं है, लेकिन जो भी उपलब्ध है यहाँ पर उतना में शिक्षकगण मेहनत करते हैं बच्चों के लिए। उस पर हम क्या कहेंगे कि सब अच्छा से चीज़ हो ही रहा है, सब अपना अपना कर्तव्य कर ही रहा है, तो हम लोग को अपना अपना कर्तव्य करना भी चाहिए। ऊपर से जरूरी नहीं कि लोग ऊपर से देखें तभी हम लोग अपना कर्तव्य करें, हम लोग का कर्तव्य बच्चों के प्रति है, बच्चा लोग अच्छा करेगा तभी हम लोग का भी मान सम्मान बढ़ेगा। इसलिए हम लोग अपना जितना क्षमता है उस क्षमता के अनुसार हम लोग मेहनत करते हैं, और जितना बच्चा अगर नहीं है तो उसको हम लोग बुलवाते भी है, फ़ोन कर कर के कितना बच्चा को हम लोग बुलवाए हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर बहुत अच्छा से ठीक ढंग से पढ़ाई लिखाई भी होता है, बच्चों लोग का जो भी करना है वो हम लोग करते हैं, ऐसा बहुत मेहनत करते हैं हम लोग। देख सकते हैं साफ तौर पर कि शिक्षकों का क्या कुछ कहना था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बयान पर। देशवा न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज़ का मकसद नहीं, देशवा न्यूज़ की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज़ पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।